जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। मंत्री बन्ना गुप्ता को आप पिस्टल चलाते देख रहे हैं। कुछ महीने पहले जमशेदपुर में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने एक शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था पत्रकारों के लिए जमशेदपुर राइफल क्लब में। मंत्री बन्ना गुप्ता वहां मुख्य अतिथि थे और इस दौरान उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कुछ राउंड फायरिंग भी की थी। ये उसी का नजारा है। मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पिस्टल से शूटिंग रेंज में निशाना लगा रहे हैं। कल पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और उन्होंने लिखा कि मंत्री बन्ना गुप्ता प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल से फायरिंग कर रहे हैं। ग्लॉक पिस्टल क्या है, इस बारे में मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, लेकिन ग्लॉक पिस्टल भारत में प्रतिबंधित क्यों है, इसको लेकर हमने मुंगेर राइफल क्लब के सचिव हथियार विशेषज्ञ अवधेश कुमार सिंह जी से बात की। अवधेश कुमार सिंह जी हथियारों पर महारत रखते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वे हथियारों और उससे जुड़ी किस्से कहानियों के बारे में बताते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि ग्लॉक पिस्टल आखिर भारत में क्यों प्रतिबंधित है, क्या वह बोर की वजह से प्रतिबंधित है या कोई और कारण है ग्लॉक पिस्टल के भारत में प्रतिबंधित होने का। तो आइए अवधेश कुमार सिंह से ही जानते हैं कि क्यों प्रतिबंधित है ग्लॉक। इन दिनों ग्लॉक पिस्टल जो इंडिया में अवेलेबल हो रहा है उसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सियाँ आ रही है, तो आपको हम ये बता दें। ग्लॉक के मैटर में ग्लॉक पिस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस को सप्लाई में दिया जा रहा है जमाने से, और ग्लॉक पिस्टल पॉलीमर का बना हुआ होता है। ग्लॉक में जो 9mm पैराबेलम कैलिबर है, 9mm पैराबेलम, वो आम जनता के लिए प्रोहिबिटेड है। 9mm पैराबेलम आम जनता के लिए प्रोहिबिटेड है। उस कैलिबर का कोई भी रखेंगे तो वो अपराध है और उसमें जेल का प्रोविजन है, नंबर एक। नंबर दो, CMD कंपनी ने जो ग्लॉक की के साथ टाई अप किया है, साउथ की फैक्ट्री है, उन लोगों ने सिविलियन कैलिबर में ग्लॉक पिस्टल बनाया है। सिविलियन कैलिबर का मतलब हो गया कि 9mm पैराबेलम छोड़ करके जो भी कैलिबर अवेलेबल हो, जैसे .22 हुआ, .45 हुआ, .357 हुआ, .44 हुआ वगैरह वगैरह, .380/9mm हुआ, ये सब जो है 380/9mm में और 9mm पैराबेलम में कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों अलग अलग बोर है। ये सिविलियन के लिए है, 9mm पैराबेलम सिविलियन के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर आर्म्स एक्ट में एक चीज़ और है जिसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुआ है, वो है क्या कि कोई भी वेपन फैक्ट्री बनाती है तो उसको प्रूफ हाउस से टेस्ट कराना होगा। प्रूफ हाउस जो है सो गवर्नमेंट का है, वो कानपुर में है, ईसापुर में है, जबलपुर में है, वगैरह वगैरह बहुत जगह है प्रूफ हाउस। वहाँ पर वेपन जो भी फैक्ट्रियाँ बनाती है वेपन को वहाँ भेजती है, वेपन को उसमें जो नॉर्मल बुलेट उससे चलता है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हाई प्रेशर दे करके उसको टेस्ट किया जाता है कि वो रफ कंडीशन में भी चलेगा कि नहीं चलेगा, या अन्य जो उसमें टेक्निकल खामियां होती है उसके बारे में बताता है, रिजेक्ट करने का होता है रिजेक्ट कर देता है। तो ग्लॉक कंपनी वालों ने किया है क्या कि वो बिना टेस्ट करवाए हुए वो जो है सो मार्केट में इसको पुश कर दिया। तो ये बात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के संज्ञान में आया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जितना भी पिस्टल था उसको सीज करने का आदेश किया। जिन जिन लोगों के पास में वो पिस्टल है सबों से जब्त करने का आदेश दिया है। ऐसे भी अनटेस्टेड वेपन रखना आर्म्स एक्ट में अपराध है, बेचना अपराध है, यही तो है ग्लॉक का कंट्रोवर्सी। तो आपने देखा कि भारत में ग्लॉक के सभी वेपन्स, चाहे वो 9mm पैराबेलम हो या दूसरे कमर्शियल वेपन्स, सारे के सारे वेपन्स प्रतिबंधित हैं भारत के गृह मंत्रालय द्वारा। और वे इसलिए प्रतिबंधित हैं क्योंकि ग्लॉक ने अपने हथियारों का प्रूफ टेस्ट नहीं कराया है। इसलिए ग्लॉक के सारे हथियारों को भारत सरकार ने उपयोग के लिए प्रतिबंधित
कर रखा है। तो अब अगर मंत्री बन्ना गुप्ता के पास ग्लॉक का कोई हथियार है तो उसे रखना गैर कानूनी है, ऐसा अवधेश कुमार सिंह की बातों से लगता है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या होगा इस पर नजर रहेगी, मैं बताता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।